हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 3, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 14 to 25। इसके साथ ही हमारा ये वाला एक्सरसाइज हो जाएगा फिनिश। तो इसके सारे पहले क्वेश्चन हमने किए हैं लास्ट वीडियोज में, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोज। और आज के लिए करेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। देखते हैं हमें यहाँ करना क्या है। प्रूव द फॉलोइंग, नाउ हियर इट इज गिवन, एक्सप्रेशन गिवन है। तो इसके शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? आपने अगर एक बार इसको सॉल्व करना अच्छे से सीख लिया तो फिर आपको ग्रेड 12 में भी जब जाओगे वहाँ पे भी आप पढ़ोगे बहुत सारे चैप्टर्स में क्या किए रहते हैं ना, कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो रेशियोज होता है, फंक्शन होता है, वो दे दिया जाता है। अगर आप मैट्रिक्स के भी चैप्टर में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी देखोगे कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ किया गया है। आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ तो ऑफकोर्स ये सब होगा ही। तो दैट मीन्स अगर आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हैं, देन यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम। ये ट्रिग्नोमेट्रिक को बहुत ही जगह यूज़ किया जाता है, और अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है कि कैसे किसी प्रॉब्लम को देख के आप फटाफट चुटकियों में सॉल्व कर पाते हो ना, तो यू विल नेवर फील कि हमारा मैथ्स जो है वो टफ है। ओके, तो कुछ ट्रिक्स मैं बताती जाऊंगी जो कि आप ध्यान से सुनते जाओ और देखते जाओ कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे, उसमें क्या है, साइन 2x है प्लस 2, साइन 4x है प्लस साइन 6x है, और इसको हमें प्रूव करना है ये जो गिवन है। अब आपको ये सोचना होगा कि हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है या राइट हैंड साइड से। ओके, तो मैंने आपको बहुत बारी ये चीज़ बताई हुई है कि जब हम किसी चीज़ को प्रूव करते हैं, कोई गिवन एक्सप्रेशन को प्रूव करते हैं, तो हमारे पास तीन वेज होते हैं। पहला कि लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ो, राइट हैंड साइड में पहुंच जाओ। दूसरा, राइट हैंड साइड से बढ़ो, लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाओ। और तीसरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ो, एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट पे पहुंचो, देन राइट हैंड साइड से बढ़ो और फिर कॉमन पॉइंट पे पहुंचो। ओके, और फिर दोनों को इक्वेशन 1 और 2 लेके आप इक्वेट कर दो कि दोनों इक्वल है, तो दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, सो दिस 3 वेज आर देयर। अब क्वेश्चन में हमें ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमें राइट हैंड साइड से बढ़ना है या लेफ्ट हैंड साइड से, कैसे समझे। तो जब आप देख रहे हो यहाँ कि इस तरफ जो राइट हैंड साइड में है, ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, बिकॉज 4 cos² x है। अगर हम इसको चाहें तो इधर से भी बढ़ सकते हैं, बट दैट विल बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आप देख सकते हो कि सारे प्लस के फॉर्म में है, और सबको हमें बनाना है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। और हमने प्लस वाले फॉर्म में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि साइन थीटा है समथिंग, फिर प्लस साइन 2 थीटा, ऐसे समथिंग कुछ थीटा है, फिर ऐसे है, दैट मीन यहाँ साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्म दिख रहा है। अगर साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्म दिख रहा है तो इमीडिएटली आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin c + d/2 × cos c − d/2, यही होता है फॉर्मूला। दैट मीन्स एडिशन हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और यही तो दिख रहा है हमें कि राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो अगर हम ये वाले टर्म से स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड से, और वो वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएं, तो हमारी यहाँ पे बात बन सकती है, इजंट इट? तो यही वाला आपको हमेशा स्ट्रैटेजी रखना होगा कि किस तरफ से बढ़ना है, कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, सो दैट हमारा जो है एक्सप्रेशन फटाफट पहुँच जाए। ओके, तो वही चीज़ यूज़ करके चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ आवर LHS? LHS is given as sine 2x plus 2 sine 4x plus sine 6x, right? यही given है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि हम किस दोनों टर्म को एक साथ लें, तो उसके लिए आपको देखना होगा राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पे, देखो 2 sin 4x है, तो आप बोलोगे कि एक काम करें, 2 sin 4x को हम 2 times लिख सकते हैं, sin 4x plus sin 4x, फिर ये हो जाएगा sin c plus d का टर्म, और ये हो जाएगा अगेन sin c plus d का टर्म, और फिर हम सॉल्व करेंगे। वैसे भी कर सकते हो, बट इट विल बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, राइट? और लेंदी। अब देखो यहाँ पे कि ये आ रहा है हमारा 4x, और यहाँ पे है सिर्फ x, ओके? तो 4x कब आता है, जब c plus d by 2 हम करेंगे। तो अगर देखो ये 2x है और ये 6x है, तो अगर 2x plus 6x करते हैं तो आता है 8x, और 8x by 2 कितना होता है, 4x ओनली। तो दैट मीन्स इन दोनों को अगर हम एक साथ रख दें तो हमारा ये 4x वाला टर्म आराम से मिल जाएगा, क्लियर? तो चलो वैसे हम करते हैं। तो हम लोग क्या करें, साइन 2x प्लस साइन 6x को इकट्ठे लिख लेते हैं, और प्लस जो ये है टर्म 2 sin 4x, इसको अभी रहने दो एज इट इज़। ओके,
डन। नाउ फ्रॉम हियर साइन 2x प्लस साइन 6x ये हो गया आपका साइन c प्लस d का फॉर्म, तो ये हो जाता है क्या 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो 2x प्लस 6x बाई टू कितना होगा, चलो मैं एक बार लिख देती हूँ आपके लिए, सो 2x प्लस 6x बाई टू इंटू होता है cos 2x माइनस 6x बाई टू होगा, c माइनस डी बाई टू का फॉर्म, प्लस एज इट इज लिख दो यहाँ पे साइन 4x। ओके तो अब जैसे मैंने ये वाला लाइन लिख लिया, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जस्ट राइट डाउन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन 2x प्लस 6x बाई टू कितना होता है नथिंग बट 8x बाई टू हो जाएगा यहाँ पे 4x, तो दिस इज साइन 4x, ठीक है, इंटू कॉस क्या हो जाएगा 2x माइनस 6x है तो कितना हो जाएगा माइनस 4x बाई टू है तो माइनस 2x, तो वी कैन राइट हियर माइनस 2x राइट, प्लस एज इट इज उसको रहने दो 2 साइन 4x, डन। अब देखो यहाँ पे है कॉस माइनस थीटा, इजंट इट दैट वाला फॉर्म है, तो कैस कॉस माइनस थीटा आप सबको पता है कितना होता है कॉस थीटा ओनली, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट कॉस 2x ओनली, सो वी कैन राइट हियर 2 साइन 4x एट द प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट ओनली कॉस 2x, ठीक है, प्लस 2 साइन 4x जो है उसको तो एज इट इज रहने दो। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको कि cos माइनस 2 थीटा आया है, इजंट इट 2x आया है, तो जनरली जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो साइन c प्लस d वाला जो फॉर्म होता है साइन d वाला फॉर्म, तो उसमें हम ट्राई करते हैं कि जो बड़ी वाली एंगल है ना ये 6x उसको हम रखते हैं आगे, क्यों, बिकॉज अगर वैसे करेंगे तो देखो 6x माइनस 2x का क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव को डील करना इजी हो जाता है। ओके अगर नेगेटिव भी है उसको भी हमने किया तो वही आंसर आएगा, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा आपका, बट इफ वी विल डू दैट तो हमारा एक जो एक्स्ट्रा लाइन है ना वो एटलीस्ट लेस हो जाएगा, क्लियर, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे पर्पसफुली 2x प्लस 6x रहने दिया है, क्लियर, तो नेक्स्ट टाइम से हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमने लिख लिया, अब आप देख सकते हो यहाँ कि दिस साइड इज ऑल्सो 2 साइन 4x एंड हियर ऑल्सो 2 साइन 4x इज देयर, तो क्या हम कॉमन ले लें, चलो तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन 4x को हमने लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया हमारा cos 2x प्लस क्या बच गया यहाँ पे ओनली 1, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका 2 साइन 4x एज इट इज, नाउ एट द प्लेस ऑफ दिस यू नो द फॉर्मूला सो यू कैन राइट डायरेक्टली दिस इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर x, डन। अब कुछ नहीं इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, सो 2 इंटू 2 इज 4, cos स्क्वायर x को लिख दिया पहले और यहाँ लिख दिया हमने साइन 4x, अब मुझे जल्दी से चेक करके आप बताओ कि क्या यही था हमारा RHS, ऑफ कोर्स यही था, हम देख सकते हैं 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x है और यही तो आया है हमारे पास, अंडरस्टूड, तो कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ भी हमें करना है प्रूफ, तो देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी दिख रहा है और राइट हैंड साइड में भी दिख रहा है, सेम टाइप का टर्म है, इजंट इट, बस यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस है और यहाँ पे एंगल का डिफरेंस है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते हैं एक कॉमन पॉइंट पे, राइट हैंड साइड से बढ़ते हैं और दूसरे कॉमन पॉइंट पे, और दोनों कॉमन पॉइंट को चेक करते हैं कि क्या दोनों इक्वल है, तो चलो वही करते हैं यहाँ पे, सो व्हाट इज इन आवर LHS, LHS इज गिवन एज cot 4x into sin 5x प्लस sin 3x, ओके अब cot 4x है तो चलो इसको एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे क्या है ये साइन सी प्लस साइन डी वाला टर्म, तो आराम से हम इसको कर सकते हैं, देखो हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके इक्वेशंस और इसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि जो प्लस और माइनस वाला जो टर्म है ना उसको हम इकट्ठे करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वो कैसे होता है फॉर्मूला लगा के, जैसे साइन साइन सी प्लस साइन डी वाला टर्म आ गया तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो देखोगे आप क्या होता है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाता है, तो हमेशा हम इसी तरह की चीज़ें करते हैं, तो हमारे पास हमेशा ये दिमाग में अगर रहता है ना तो हम उसी तरह से सोचने लग जाते हैं और हमारा क्वेश्चन देखना जल्दी जल्दी बनने लग जाता है। ओके तो वही करना है यहाँ पे, तो साइन सी प्लस साइन डी है तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो यहाँ पे 5x प्लस 3x, और देखो यहाँ पे क्या है 5x है, अगर मान लो 3x पहले रहता तो मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में कि हम बड़े वाले एंगल को पहले लिख लेते हैं और ये छोटे वाले एंगल को बाद में लिखते हैं, तो क्या हो जाता है 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा 8x, 8x बाई टू कितना होता है नथिंग बट 4x, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया, डन। इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है, कॉस सी माइनस डी कितना होगा 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x बाई टू कितना होता है नथिंग बट कॉस एक्स ओनली, अंडरस्टूड, तो ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, cot 4x है तो क्या cot 4x को साइन और कॉस के टर्म में हम कर सकते हैं कन्वर्ट, कर सकते हैं राइट, तो दिस इज नथिंग बट cos 4x डिवाइडेड बाय साइन 4x, डन, एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 2 साइन 4x इनटू cos x,
क्यों किया मैंने ऐसे? बिकॉज यहाँ पे मैंने देखा कि साइन 4x है और यहाँ पे कॉट 4x है, तो हमारी काफ़ी बात बन सकती है और ये दोनों कैंसिल हो सकता है. तो दैट्स वाई वॉट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, 2 cos x into cos 4x. ठीक है, लेट अस अज्यूम कि ये है हमारा इक्वेशन 1. ओके, डन. अब ये हमने कर लिया LHS को यहाँ तक. अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ करने को है नहीं. अगर आप बोलोगे cos 4x को भी हम कर सकते हैं कन्वर्ट cos 2x और sin 2x के टर्म में भी, तो फिर क्या होगा, इस छोटे टर्म को आप एक्सपैंड कर रहे हो. और हमारा क्या फोकस होना चाहिए कि हमारा जो एक्सपैंडेड टर्म है उसे हमें यहाँ पे एक कन्वर्ज करना है, उसको हमें डाइवर्ज ना करके एक जगह पे इकट्ठे करना है. तो इकट्ठे करने के लिए दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही हो सकते हैं, और अगर डाइवर्ज करना है तो फिर हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो है ही. अंडरस्टूड? तो ये वाला छोटा टर्म आ गया है. अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं. तो चलो राइट हैंड साइड देखें. नाउ RHS, एंड वॉट इज योर RHS? RHS इज गिवन एज cot ऑफ x एंड हियर साइन 5x माइनस साइन 3x. सिमिलर है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्म है. तो अब क्या हो जाएगा, ये cot x है, इसको रहने दो अभी एज इट इज. ये हो जाएगा 2. नाउ साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन c माइनस d हो जाता है यहाँ. तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x क्या होगा यहाँ पे, साइन 2x by 2, तो दैट इज साइन x ओनली, करेक्ट. इन टू क्या हो जाएगा, अब देखो साइन 5x माइनस साइन 3x का जब फॉर्मूला करते हैं तो 2 साइन c माइनस d by 2 into cos c plus d by 2 होता है. तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, 5 plus 3 इज 8 by 2, दैट इज 4x. वी हैव गॉट दिस. अब देखो यहाँ साइन x है, यहाँ cot x है, तो हमने बताया था आपको कि क्या कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं cos x by sin x के फॉर्म में. और ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस 4x. अब ये हो गया हमारा कैंसिल साइन एक्स, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 4x. इसको अज्यूम कर लो इक्वेशन 2. नाउ जस्ट मैच द इक्वेशन 1 एंड 2. क्या दोनों सेम है? इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन सी दैट बोथ आर सेम. सो वॉट वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव वट LHS is equal to RHS. और जो भी वैल्यू है LHS और RHS की वो आप लिख सकते हो यहाँ. तो दैट्स वाई वी हैव प्रूव्ड इट, इजंट इट? तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ना होता है. ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें करना है प्रूफ. और देख सकते हो आप कि देखो राइट हैंड साइड में छोटा सा टर्म है, दैट मीन्स एक ही एक टर्म है, तो यहाँ पे कुछ करने को है नहीं खास. तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ. अब लेफ्ट हैंड साइड में आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि cos c माइनस cos d वाला टर्म है, और यहाँ डिनोमिनेटर में sin c माइनस sin d वाला टर्म है. दैट मीन्स कुछ नहीं, बस हमें फॉर्मूला लगाना है, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कराना है और देखना है कि क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है. राइट, तो आप ऐसे भी फटाफट जब आप देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें आप कैसे चेक करोगे, देख सकते हो कि 9x है 5x है, अगर माइनस किया डिवाइडेड बाई 2 किया तो आता है 2x. तो यहाँ पे 2x वाला टर्म है. यहाँ पे भी देखो 17 है 3 है, 17 प्लस 3 हो जाता है तो कितना बचता है हमारे पास, 20 डिवाइड 2 10 है. दैट मीन्स ये मैच कर रहा है. तो इस तरह से हम चेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. क्लियर? तो आराम से समझ में आ रहा है कि तो होना ही है, बस हमें निकालना है कि कैसे होगा. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो वॉट इज इन लेफ्ट हैंड साइड, यही है हमारे पास. अब देखो जैसे ही हमने ये लिखा, आप देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट. जब भी याद रखना आप कि cos c माइनस d में ओनली साइन वाले टर्म आते हैं और विथ माइनस साइन, तो क्या हो जाता है, माइनस 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2. सो साइन c प्लस d कितना होता है, 14 बाई 2, दैट इज 7x. ओके, इन टू साइन c माइनस d होता है, दोनों ही साइन के टर्म आते हैं विथ नेगेटिव साइन. सो साइन c माइनस d कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 इज 4 एंड 4 बाई 2 इज 2x ओनली. राइट, तो वी हैव गॉट दिस. अब डिवाइडेड बाय साइन c माइनस साइन d है, तो ये क्या हो जाएगा, नथिंग बट 2 इंटू c माइनस d है. तो सबसे पहले आता है यहाँ पे साइन c माइनस d, तो साइन c माइनस d कितना होगा, 17 माइनस 3 हो जाता है 14 डिवाइड बाई 2, करेक्ट 7. सो साइन 7x इंटू कॉस c प्लस d बाई 2, सो कॉस लिख देंगे, c प्लस d कितना है, 20 by 2, nothing but 10x. Now you can see here 2 हो गया cancel, sin 7x हो गया cancel. So क्या बचा हमारे पास, minus sin 2x by cos 10x. और क्या यही था हमारा RHS, right? यही था, तो हमने इस तरह से कर दिया इसको प्रूव. क्लियर?
बहुत इजी होता है, बस आपको सोचना होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ कैसे लगाना है। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ भी आप देख सकते हो कि लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ एक टर्म है तो कुछ करने को है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट इज इन आवर लेफ्ट हैंड साइड, इट इज यही है। तो ये क्या है, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्म, उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। तो क्या हो गया ये 8/2, दैट इज 4x इंटू कॉस सी माइनस डी, तो 5-3 हो जाता है 2 और बचता है डिवाइडेड बाई 2, तो x। अब यहाँ पे क्या है, 2 कॉस सी प्लस कॉस डी है तो दोनों ही कॉस वाले टर्म आते हैं, तो क्या हो जाता है कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो कितना हो गया नथिंग बट कॉस 4x इंटू कॉस सी माइनस डी, कितना हो जाता है 5x-3x अगेन 2x/2, सो कॉस एक्स। आप देख सकते हो कॉस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल, 2 कैंसिल। साइन बाय कॉस कितना होता है, नथिंग बट टैन, सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग हियर टैन 4x। और यही तो था हमारा RHS, isn't it? तो हमने कर दिया इसको प्रूव, क्लियर। देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी हमें करना है प्रूव, यहाँ भी देख सकते हो राइट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ एक टर्म, राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है फॉर्मूला बेस, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज देयर इन द LHS, LHS इज आवर, अभी तक आपने देखा था कि एंगल हमारे 2x, 3x, 4x, 5x इस टाइप के टर्म में था, अब यहाँ क्या है, ओनली x है और ओनली y है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे x x के टर्म में नहीं है, x y के टर्म में है। ओके, तो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है और निकालना है। तो साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 इंटू साइन सी प्लस 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो क्या हो जाएगा सी माइनस डी, तो एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, करेक्ट, यही होगा। आई एम डिवाइडेड बाई ये क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी, यू ऑल नो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो क्या होता है एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 हो गया कैंसिल, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 ये वही हो गया कैंसिल, तो बचा हमारे पास साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, क्या होता है साइन बाई कॉस, करेक्ट टैन, सो वी हैव गॉट टैन एक्स माइनस वाई बाई 2 एंड दिस इज ओनली योर RHS, तो हमने इसको भी कर दिया प्रूव, यही है करेक्ट। देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, तो ये आप मुझे करके फटाफट बताओ कि क्या होगा आंसर और कैसे हम निकालते हैं, करेक्ट। तो वी विल जस्ट स्टार्ट विथ LHS, क्या है हमारे पास, यही है। अब बस आप फटाफट से फॉर्मूला पुट करो, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 3x प्लस 3x 4x बाई 2, करेक्ट, दिस इज 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 3x बाई 2। देखो यहाँ पे अभी क्या किया मैंने, x छोटी वाली एंगल है और ये बड़ी वाली एंगल है, तो x माइनस तो माइनस में आएगा, बट इट्स ओके बिकॉज यहाँ पे हम लिख सकते हैं, छोटा सा टर्म है तो हम चलो लिखते हैं। अगली बार से याद रखना कि 3x को पहले लिख लेना, x को बाद में लिख लेना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3x क्या हो जा रहा है माइनस एक्स, ठीक है, बिकॉज x माइनस 3x इज 2 माइनस 2x डिवाइड 2 क्या होगा माइनस एक्स, डन। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन कॉस सी प्लस कॉस डी 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो गया आपका 2x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सेम यहाँ पे कॉस माइनस एक्स, तो आज की यहाँ पे कॉस माइनस एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हो गया कैंसिल, 2 हो गया कैंसिल, बचा क्या हमारे पास नथिंग बट टैन 2x, और यही तो था हमारे RHS में, तो हमने कर दिया इसको प्रूव, क्लियर। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इसमें भी हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है, राइट में सिर्फ 1 है, तो ऑफ कोर्स हम बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो चलो लिख ले लेफ्ट हैंड साइड। देखो इस क्वेश्चन को देखते के साथ आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो अगर इसका उल्टा होता दैट मीन्स अगर माइनस यहाँ से आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वो कुछ एक फॉर्मूला होता है राइट, आपको याद है, यस, कॉस 2 थीटा क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, कॉस 2 थीटा क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो वही टर्म आ रहा है, तो चलो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी, और माइनस माइनस कर देते हैं कैंसिल, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन 3x माइनस साइन एक्स, करेक्ट, माइनस साइन कॉमन ले लिया यहाँ से भी और कैंसिल करा दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, कर सकते हैं। अब देखो ये भी हमारा इजी फॉर्म आ गया, बड़ी वाली एंगल पहले आ गई, छोटी वाली एंगल बाद में आ गई, तो क्या हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म, करेक्ट, 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स 2x बाई 2 ओनली एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो कॉस 3x प्लस एक्स हो जाता है 4x बाई 2, दैट इज 2x,
एंड डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, अभी अभी मैंने बताया था करेक्ट, दिस इज कॉस टू एक्स। नाउ यू कैन सी कॉस टू एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, टू साइन एक्स ओनली, एंड दिस इज ओनली इन योर राइट हैंड साइड, करेक्ट। तो वी हैव प्रूव्ड इट, इजंट इट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे भी हमें प्रूव करना है, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में बस एक टर्म है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे टर्म है, तो आग बंद करके सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, राइट, ये गिवन है हमारे पास। आप देखो यहाँ पे कुछ बातें हैं सोचने वाली, क्या कि देखो यहाँ पे आप बोलोगे साइन कॉस सी प्लस कॉस डी वाला टर्म है, तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं लिखना, बट वी हैव टू थिंक बिफोर दिस कि किन दोनों को सबसे पहले ऐड करना है। एज यू कैन सी कि अगर 4x और 3x करते हैं तो क्या होता है 7x, और 7x बाई 2 कुछ अटपटा सा हो जाएगा, तो ये नहीं मैच कर रहा। 3x प्लस 2 अगर करते हैं तो अगेन हो जाएगा 5x, और 5x बाई 2 अगेन फिर ये हो जाएगा अटपटा सा, हमारा फ्रैक्शन में आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 4x को 2x वाले के साथ अगर हम प्लस करें तो 4x प्लस 2x आता है जो होता है 6x डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है 3x, और हम देख रहे हैं कि 3x यहाँ पे भी है और राइट हैंड साइड में भी है, और ऐसे भी वो क्या आ रहा है, एक होल नंबर आ रहा है, वो फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, इजंट इट। तो इस तरह से हम सोच के फिर उसको उस तरह से अरेंज करते हैं, क्लियर। तो चलो उसको अरेंज करें, क्या कर देंगे, सबसे पहले cos 4x प्लस cos 2x को एक साथ लिख देते हैं, प्लस यहाँ हो गया आपका cos 3x, डन। इन दोनों टर्म को हमने एक साथ लिख दिया, सेम हमें करना होगा डिनोमिनेटर में भी, तो ये हो जाएगा cos 4x प्लस सॉरी ये हो जाएगा sin 4x प्लस sin 2x, और इसको हमने लिए इकट्ठा, हो तो यहाँ पे क्या बचेगा sin 3x, इसको रहने दो अभी, ओके। नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द फॉर्मूला हियर, तो क्या है ये cos c प्लस cos d, यू ऑल नो 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2, तो 4x प्लस 2x हो जाता है 6x बाई 2, इट इज 3x इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 4x माइनस 2x हो गया 2x बाई 2 ओनली cos x, ठीक है, प्लस cos 3x को एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ क्या हो जाएगा sin c प्लस sin d, यू ऑल नो 2 इंटू sin c प्लस d बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 3x इंटू cos c माइनस d बाई 2, दैट इज ओनली cos x, राइट, यही हो रहा है हमारे पास, आप देख भी सकते हो, प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास sin 3x, तो इसको हमने लिख दिया एज इट इज। अब देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी cos 3x दिख रहा है, यहाँ पे भी cos 3x है, यहाँ भी sin 3x है, यहाँ भी sin 3x है, क्या हम कॉमन ले लें न्यूमिनेटर में cos 3x और डिनोमिनेटर में sin 3x, राइट। तो चलो अगर हम लेते हैं कॉमन तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा cos 3x लिया कॉमन, तो बचेगा 2 cos x प्लस 1, और यहाँ पे अगर हमने कॉमन ले लिया sin 3x तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ भी बच रहा है 2 cos x प्लस 1, यू कैन सी नाउ 2 cos x प्लस 1 यहाँ भी है, 2 cos x प्लस 1 यहाँ भी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे, तो ये हो गया कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास cot 3x ओनली, और यस दिस इज ओनली इन आवर राइट हैंड साइड, सो वी हैव प्रूव्ड इट, इजंट इट। cos बाय sin क्या होता है cot, और यही हमारे राइट हैंड साइड में, अंडरस्टूड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है हमें, यहाँ भी हमें प्रूव करना है, आप देख सकते हो कि क्या है क्वेश्चन में हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में सो मेनी टर्म्स है, राइट में ओनली वन, तो ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड से तो बढ़ नहीं सकते, तो चलो स्टार्ट करें विद द लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट इज इन आवर लेफ्ट हैंड साइड, यही है हमारे पास। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, आप सोचोगे कि cot के टर्म में, तो चलो इसको cos बाय sin के फॉर्म में कर ले, ओके। अगर cos बाय sin के फॉर्म में करोगे तो फिर हमारा कुछ यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उल्टा बढ़ जाएगा, क्यों, बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये सोचना होता है कि कैसे इसको रिड्यूस किया जा सके, ओके, जो एक्सप्रेशन गिवन होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है cot वाला फॉर्म है, तो ऐसा तो नहीं कि हमने cot वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा, राइट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों टर्म में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ भी cot 3x है और यहाँ भी cot 3x है, और cot 3x एक्चुअल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2x एंड x ओनली, इजंट इट। तो अगर यहाँ से हम कॉमन ले ले, चलो पहले कॉमन लेते हैं उसके बाद देखते हैं, cot 2x लिख दिया माइनस यहाँ पे cot 3x में ले लेती हूँ कॉमन, तो क्या बच जाएगा cot 2x माइनस लिया है तो ये हो जाएगा प्लस cot x, राइट। अब देखो cot 3x यहाँ पे आया है, यहाँ पे बच गया cot 2x प्लस cot x, राइट। अब cot 3x जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x के फॉर्म में,
तो हमारा क्या हो जाएगा, ये cot x, cot 2x को रहने दो एज इट इज, तो cot 3x को लिख दिया हमने cot 2x plus x, ओके okay? यहाँ पे आ गया हमारा cot 2x plus cot x एज इट इज, राइट। अब ये क्या है, ये वाला जो टर्म है, दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ cot a plus b, एंड यू ऑल नो कि जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो cot a plus b क्या होता था, करेक्ट, इट वॉज cot a इंटू cot b माइनस वन बाय cot a प्लस cot b ओनली, था या नहीं, यू ऑल रिमेम्बर, राइट। जैसे tan का होता था तो क्या होता था, tan a प्लस b हो जाता था, tan a प्लस tan b बाय वन माइनस tan a tan b, तो अगर उसी में आप उसको वन बाय cot कर दोगे तो यू विल सी कि cot का फॉर्मूला हमारे पास ऐसे ही आता है। तो जैसे ये फॉर्मूला हमें याद आया, अब तो हमारी बात कुछ रही नहीं यहाँ पे करने को, बस यहाँ पे आप फटाफट लिख दो, तो इसको लिख दिया एज इट इज माइनस, अब इसका फॉर्मूला लिख दो क्या है, ये cot a की जगह पे हो गया 2x इंटू cot b की जगह हो गया x माइनस है 1, तो इसको लिख दिया ऐसे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cot 2x प्लस cot x, राइट। अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में, cot 2x प्लस cot x, अब आप क्या कुछ नोटिस कर रहे हो, सी cot 2x प्लस cot x एंड हियर ऑल्सो cot 2x प्लस cot x, तो ये हो गया आपका कैंसिल, इजंट इट। तो क्या बच गया हमारे पास, cot x इंटू cot 2x माइनस, अब यहाँ पे भी देखो अगर इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो क्या मिल रहा है हमारे पास, cot 2x इंटू cot x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, एंड यू कैन सी कि cot x इंटू cot 2x इज सेम एज cot 2x इंटू cot x, और ये है माइनस साइन के साथ, तो प्लस माइनस हो गया कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, ओनली 1, एंड दिस इज ओनली इन योर आर एच एस, राइट। तो हमने इसको भी कर दिया प्रूव, अंडरस्टूड। तो जब भी हम जो भी फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दो सिंस दिस वन, क्लियर। तो ये हो गया हमारा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में है ओनली वन टर्म और राइट हैंड साइड में है सो मेनी टर्म, तो आप बोलोगे चलो राइट हैंड साइड से बढ़े, बट वेट, राइट हैंड साइड में अगर आप चेक करो तो देखो कि कुछ भी ऐसा फॉर्मूला बेस्ड नहीं दिख रहा, बहुत ही दिख रहा है डिफरेंट। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में फोकस करो तो देखोगे tan 4x है, और 4x के साथ हम कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी लगा के उसको तोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ भी बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ, और इसको हमने लिख दिया tan 4x, ओके। अब सोचो कि क्या किया जा सकता है, एज आप देख रहे हो कि यहाँ पावर में आ रहा है स्क्वायर 4 देख सकते हैं हम, तो क्या किया जा सके, tan 4 थीटा का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, बट tan 2 थीटा का भी पढ़ा है और tan 3 थीटा का भी पढ़ा है, राइट। तो अगर मैं इसको लिख दूँ tan 4x को कि ये है हमारा x प्लस 3x, तो कोई गलती नहीं है, राइट। आप सब बोलोगे एकदम सही है। अब ये क्या फॉर्म हो गया, tan a प्लस b वाला, और tan a प्लस b का सबको फॉर्मूला पता है क्या होता है, tan a प्लस tan b, तो मैं लिख सकती हूँ tan a दैट मीन्स tan x प्लस tan b दैट इज योर 3x बाय 1 माइनस होता है tan a इंटू tan b। अगेन आप देख लो, tan a की जगह पे हो जाएगा tan x और b की जगह पे क्या हो जाएगा 3x, तो tan 3x, राइट। अब यू ऑल नो कि tan 3x को हम क्या लिखते हैं, tan 3x का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, और वो क्या होता है, tan 3x इज इक्वल टू, यही होता है हमारे पास, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan cube x बाय 1 माइनस 3 tan square x। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हमें याद है तो आराम से हम यहाँ पे फिट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan x को रखा हमने एज इट इज प्लस tan 3x की जगह पे लिख दो, तो क्या हो जाएगा 3 tan x माइनस tan cube x डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, 1 माइनस 3 tan square x, राइट। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर में सारा टर्म, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगेन 1 माइनस है tan x, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसी tan 3x के साथ, तो ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, राइट। बस यही करना था हमें। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, tan x रहेगा एज इट इज। अब इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका दे लो एलसीएम, तो एलसीएम जब लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x को ये मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, tan x माइन टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x लिख दिया हमने
प्लस जो भी है यहाँ पे न्यूमरेटर में इसके, इसको लिख दो, तो ये हो गया 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स, करेक्ट। अब डिवाइडेड बाय, आप बोलोगे इसका डिनोमिनेटर कहाँ गया, आप ध्यान से देखो तो इसका जो डिनोमिनेटर है दिस वन सेम इज हियर ऑल्सो दिस वन, इजंट इट, 1 minus 3 tan square x यहाँ भी है, 1 minus 3 tan square x यहाँ भी है, तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द एलसीएम हियर, अंडरस्टूड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका भी एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा टर्म, तो ये हो गया 1 minus 3 tan square x। अब यहाँ क्या है, tan x है मल्टीप्लाइड बाई दिस थिंग, तो मैं इसको एज इट इज रहने देती हूँ अभी, राइट यही टर्म आ रहा है आपके लिए, मैं यहाँ दिखा देती हूँ कि ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा कैंसिल विद दिस टर्म, तभी हमारे पास आ रहा है, राइट। तो उसको बस मैंने समझाया है आपको कि ये दोनों हो जाता है कैंसिल यहाँ पे, अब उसके बाद सेम टर्म हमें हमारे पास आ गई है, अब इसको हमें यहाँ सॉल्व करना है, तो ये क्या कर सकते हैं हम इसके बाद, अब चलो यहाँ पे, तो ये क्या है tan x, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, tan x माइनस 3 tan स्क्वायर x है यहाँ, तो ये हो जाएगा tan क्यूब x, तो हम लिख सकते हैं tan x माइनस 3 tan क्यूब x, राइट। नाउ ये प्लस 3 tan x है और यहाँ पे क्या है माइनस tan क्यूब x, तो इसको भी लिख दिया माइनस tan क्यूब x। अब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 1 minus 3 tan square x है, इसको लिख दो एज इट इज। अब प्लस क्या है यहाँ, माइनस है, माइनस tan x into 3 tan x क्या हो जाएगा, माइनस 3 tan square x। फिर क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, tan x into 10 cube x क्या होता है, tan 4 x, तो हम लिख सकते हैं प्लस tan 4 x, राइट। अब इसको करो सॉल्व, देख सकते हो आप कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, tan x plus 3 tan x कितना होगा, 4 tan x, ओके। नाउ माइनस 3 tan क्यूब x माइनस tan क्यूब x, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, माइनस 4 tan क्यूब x, राइट। यहाँ ले लेते हैं हम इसको कॉमन, यहाँ हम ले लेते हैं इसको साथ में, डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे, 1 माइनस, देखो यहाँ पे आप tan 3 tan square x है, यहाँ पे भी tan 3 tan square x है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 tan square x प्लस tan 4x, करेक्ट। तो ये लिख लिया हमने, अब देखो क्या कर सकते हैं हम, 4 tan x अगर हम कॉमन ले ले इन द न्यूमरेटर, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस नथिंग बट ओनली tan स्क्वायर x, राइट। और यही तो है हमारे न्यूमरेटर में यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है हमारे पास, सेम थिंग, दैट मीन्स 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x, राइट। और यही है हमारे लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो हमने क्या किया है इसको प्रूव कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में बड़े थे जो कि बहुत छोटू टर्म था, बट उसको हमने एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करके हमने देखा कि वी आर रीचिंग टू द राइट हैंड साइड, सो दिस इज द वे हाउ टू डू दिस, ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे हमें प्रूव करना है इसको, तो यहाँ भी देख सकते हो राइट हैंड साइड में ज़्यादा बड़ा टर्म है बट लेफ्ट हैंड साइड में छोटू है, बट 4x है, तो इसका हम कुछ कर सकते हैं, राइट, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से, इसके पास है cos 4x, तो हमने लिख दिया cos 4x। अब सोचो कि हमें क्या करना होगा सो दैट 1 माइनस समथिंग वाला टर्म आए, तो आप देखो कि cos 4x है तो आप सबको पता है कि cos 2 थीटा जो होता है उसको अगर हम लिखना चाहें 1 माइनस समथिंग के टर्म में तो वो क्या होता है, नथिंग बट 1 माइनस 2 करेक्ट sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो हम आराम से इसको यहाँ यूज कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस दिस इज नथिंग बट 2 sin स्क्वायर 2x ओनली, करेक्ट। नाउ 1 माइनस 2 है, अब साइन स्क्वायर 2x है, इसका मतलब क्या है कि साइन 2x का होल स्क्वायर है, एंड यू ऑल नो कि साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको चलो सॉल्व करें, 1 माइनस 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 इंटू 2 होता है 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब चेक करो कि यही है हमारे लेफ्ट राइट हैंड साइड में, ऑफकोर्स यही है, सो वी हैव सीन कि कितने जल्दी हम राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, राइट। तो इसी तरह से हमें चेक करना होगा कि क्या फॉर्मूला क्या स्ट्रेटजी लगाए सो दैट वो राइट हैंड साइड से मैच करता हुआ आ जाए,
ओके तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। और ये रहा हमारे आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमें प्रूव करना है, राइट हैंड साइड में बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है बट ऑल इन द टर्म्स ऑफ कॉस, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ एक टर्म है इन द टर्म ऑफ कॉस ओनली। दैट मीन्स यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि ये हमारे पास क्या है, कॉस 6x। तो 6x को हम कुछ तोड़ मरोड़ कर सकते हैं सो दैट हमारे सारे टर्म जो आए वो आए कॉस के फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द LHS। तो ये है हमारे पास कॉस 6x। अब कॉस 6x को क्या हम लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट कॉस 3 × 2x, राइट। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, कॉस 3a वाला फॉर्म। एंड यू ऑल नो द फॉर्मूला कॉस 3a का क्या मतलब होता है, दिस इज 4 cos³ a माइनस 3 cos a ओनली। यही है हमारे पास फॉर्मूला, राइट। अब कॉस 3a का फॉर्मूला जो भी हमें यहाँ पे लगाना है, आप देखो जैसे आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो कॉस 2θ वाला टर्म भी आएगा। एंड यू ऑल नो कि कॉस 2θ का जो टर्म है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉस के टर्म में भी, साइन के टर्म में भी। एज वी कैन सी कि राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉस का टर्म है, सो वॉट वी कैन डू, वी कैन यूज हियर इट इज नथिंग बट 2 cos²θ माइनस 1। दैट मीन्स इस 2 फॉर्मूला को अगर हम यहाँ यूज करें तो हमारे काफ़ी यहाँ पे अप्रोच सही जाएगी, राइट। तो चलो वही करते हैं। सो कॉस 3θ क्या लिखेंगे हम, क्यूब, और यहाँ कॉस क्यूब, एंड यहाँ पे a की जगह पे क्या होगा, नथिंग बट 2x, देन माइनस 3 cos a होता है तो या 3 cos a की जगह पे क्या हो जाएगा, 2x। नाउ यू हैव टू पुट द कॉस 2θ वाला फॉर्मूला, सो हियर 4 हो जाएगा ना, हियर कॉस क्यूब 2x है तो कॉस 2 cube 2x की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस 2x की वैल्यू लिख देते हैं कॉस वाले टर्म में। तो दिस इज कॉस 2 cos²x माइनस 1 का होल क्यूब ओनली, करेक्ट। ना हियर माइनस 3 cos²x है तो अगेन यहाँ पे भी हम इसको एक्सपैंड कर दें x के टर्म में, बिकॉज हम देख रहे हैं कि हर जगह यहाँ पे एंगल क्या है, x के टर्म में है रेशियो। तो दैट्स वाई हियर इट विल बी वॉट 2 cos²x माइनस 1, डन। Now you can see here कि ये क्या है, this is a minus b का whole square or whole cube or not, and you all know कि हमारे पास a minus b का जो whole cube है जो हमने बहुत बचपन में पढ़ा है वो क्या होता है, this is a cube minus b cube minus 3a² b plus 3ab² only, करेक्ट। यही है फॉर्मूला हमारे पास, तो जस्ट यूज दैट फॉर्मूला एंड देन यू कैन राइट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 2 cos²x का होल क्यूब बिकॉज दिस इज योर a माइनस b क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 cube, राइट, माइनस 3a², सो a इज दिस ओनली, सो 2 cos²x का हियर a स्क्वायर है इंटू b, सो दिस इज 1 ओनली, राइट, देन प्लस 3ab², तो a क्या है यहाँ पे 2 cos²x, सो वी कैन राइट इंटू b² इज वॉट 1² नाउ ये हो गया हमारा टर्म कंप्लीट यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब। अब जो है वहाँ पे उसको एक्सपेंड करके लिख दो तो क्या है ये 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, सो माइनस 6 cos²x, देन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, डन। तो ये वाला हमने लिख दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं, इसको आप सॉल्व करके एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा, ये 2 cos²x का होल क्यूब है तो क्या होता है ये हो जाएगा 8 cos 6x ओनली। नाउ माइनस 1 रहेगा 1 ही, माइनस ये क्या हो जाएगा 3, अब यहाँ देखो 2² दैट मीन्स 4, 4 × 3 हो जाएगा 12, नाउ cos² का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos 4x, डन। 9 × 1 तो 1 ही रहेगा, चलो अब यहाँ प्लस ये क्या है हमारा 2 cos²x के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो दिस इंटू 6 cos²x इंटू 1² तो वही रहता है, ये है मल्टीप्लाइड विथ 4, सो हमने ऐसे लिख दिया, करेक्ट। यही है हमारे पास। अब देखो इसके बाद क्या वैल्यू आती है हमारे पास, ये है 4 × 8 क्या हो जाता है 32, सो वी कैन राइट 32 cos 6x, देन माइनस 4 माइनस अगेन 48 cos हियर क्या हो जाएगा 4x, देन अगेन प्लस 6 × 4 = 24 cos²x माइनस हियर 6 क्या हो जाएगा cos²x प्लस 3, डन। अब कुछ नहीं है, आप जहाँ जहाँ देखो कि कॉमन टर्म आ रहे हैं उसको आप सॉल्व करो, सो 32 cos 6x और कहीं नहीं है cos 6 वाला टर्म, सो वी कैन राइट दिस एज इट इज, राइट। उसके बाद देखो
क्या है, फोर वाला टर्म लिखते हैं हम, क्या करते हैं हम डिक्रीज करते हैं, आइदर इंक्रीजिंग में लिखो और डिक्रीजिंग में लिखो हमारा जो पावर है। तो यहाँ पे हमने अगर सिक्स को पहले लिखा है तो अब फोर को लिखना होगा, तो क्या है ये माइनस 48 कॉस 4, और कोई फोर वाला टर्म नहीं है तो हम लिख सकते हैं माइनस 48 कॉस 4x, राइट। ये टर्म लिख दिया, ये टर्म लिख दिया, अब बचा स्क्वायर वाला। स्क्वायर में देखो 24 है, माइनस 6 कितना होता है 18, सो वी कैन राइट प्लस 18 हियर कॉस स्क्वायर एक्स, ओके डन। नाउ हियर यू कैन सी दिस वन हमने लिख दिया दोनों को, अब बचा है माइनस 4 प्लस 3, तो क्या होगा नथिंग बट माइनस 1। नाउ जस्ट सी कि क्या यही था हमारा आर एच एस, यू कैन सी 32 कॉस 6x माइनस 48 कॉस 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, सो दिस इज ओनली योर आर एच एस। अंडरस्टूड? तो हमें कैसे आगे बढ़ना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में बस कुछ नहीं है, अब ध्यान से देखो और फिर समझो कि कौन कौन से हम फॉर्मूला को लगाए और किस तरह से, सो दैट वी विल गेट आवर आंसर, ओके। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे से समझ में आए हैं, अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट दिस इज़ लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, और हमारे साथ बने रहो।